नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। यदि आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एसटी एससी या वुमन इन तीनों कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख रुपये से लेके अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह जो स्कीम है ये 2016 में स्टार्ट हुई थी, इसे अभी 2021 में जुलाई में 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत आप एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज जो हैं, जैसे पिसीकल्चर है, बी कीपिंग है, पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, बी फार्मिंग है ना, ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग यूनिट है, एग्रीगेशन, एग्रो इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, फिशरी इंडस्ट्री है, एग्री क्लिनिक है, एग्री बिजनेस सेंटर है ना, फूड या एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर है। यदि आप ये इस प्रकार से कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई करके जो है 10 लाख रुपए से लेके अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों आपको और क्या क्या इसकी बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत एसटी एससी और वुमन कैटेगरी को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ना। इसमें एलिजिबिलिटी है, जो भी कैंडिडेट है वो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन फील्ड सिग्निफिकेंस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है तो 51% शेयर होल्डिंग जो है एसटी एससी या वुमन कैटेगरी पर्सन की होनी चाहिए। इसके अलावा जो बोरोवर है वह डिफाल्टर नहीं होना चाहिए किसी बैंक का। इसके अलावा जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का रहेगा। यह पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए यह लोन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो जो फिक्स किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसमें सिक्योरिटी के तौर पे जो प्राइमरी सिक्योरिटी के बाद जो भी गारंटी आएगी है ना, वह स्टैंड अप इंडिया के लिए फंड बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ऑफ स्टैंड अप इंडिया है ना स्कीम, इसके लिए उस फंड से जो है गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। यह जो लोन इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा वो अधिकतम 7 वर्ष के लिए रहेगा। इसके साथ ही इसमें 18 महीने का जो है आपको मोरेटोरियम भी प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिन मनी की। मार्जिन मनी इसमें आपको जो है सिर्फ 15% ही लगेगी। पहले इसमें 25% मार्जिन मनी लगती थी, परंतु अब इसमें जो है सिर्फ आपको 15% ही मार्जिन मनी लगेगी। अब हम बात करते हैं ये इसके लिए आप कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल ब्रांच हैं बैंक की, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उनकी जहाँ भी ब्रांच है वहाँ जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, आपके पास पूरा जानकारी होना चाहिए, आपकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, उसमें हर चीज़ का पूरा विस्तृत वर्णन होना चाहिए। आप क्या बिज़नेस करेंगे, किस नेचर का है आपका बिज़नेस, कहाँ पे करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट की जगह कहाँ है, ये पूरी जो विस्तृत DPR में रहती है वो पूरी जानकारी उसमें होना चाहिए। और आपकी पूरी KYC और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ आप बैंक में विजिट करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप स्टैंड अप इंडिया का जो पोर्टल है उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उद्यमी मित्रा पोर्टल पर जाके वहाँ भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक मैनेजर होता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, आप उनके सामने उनसे मिलके उनके संरक्षण में भी अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम के अंतर्गत जो है फंड प्राप्त कर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ध्यान रखिएगा। अन्य जानकारी आप और ऑनलाइन इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो अन्य लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।